2019 को लेकर जो तैयारी टीम इंडिया की थी उसे लेकर तमाम लोगों की निगाहें थी टिकी सिर्फ और सिर्फ कप्तान के अलावा उपकप्तान के अलावा उन ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि ऑलराउंडर भी बने रहते हैं। जी हाँ, जिस तरह आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर का नाम एक बार फिर से ऊंचा कर लिया टीम इंडिया के अंदर, उन्होंने एक बार फिर उम्मीद दिलाई है कि इस बार विश्व कप 2019 में वर्ल्ड कप 2011 वाले युवराज सिंह की जो कमी देखने को मिलेगी उस कमी को पूरा करेंगे हार्दिक पांड्या। जी हाँ, बिल्कुल युवराज सिंह की तरह एक बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बॉलर ऑलराउंडर बनकर हार्दिक मेकअप करेंगे मैच को, और जिस तरह से वो फिनिश करने वाले हैं बेस्ट फिनिशर बनेंगे इसकी पूरी उम्मीद है कि इस बार विश्व कप का लक्ष्य टीम इंडिया हासिल करने में कामयाबी जरूर बटेरेगी। क्योंकि इस बार की टीम में है खास बात ये कि इस बार बॉलर्स बेहद ही ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं, योद्धा बॉलर्स कहे जा सकते हैं उन्हें, क्योंकि इस बार जो नाम है बॉलर्स में उसमें जसप्रीत बुमराह का भी नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे में आपके बीच लेकर आए हम ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के शो में मैं तृप्ति आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच के साथ टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से भिड़कर किस तरह से टीम के परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाने वाली है। जी हाँ, मैच को लेकर पहले अभ्यास मैच में भले ही टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की खास तौर पर कमी देखने को मिली, लेकिन एमएस धोनी जो कि बेस्ट फिनिशर और विकेट कीपर है उन्होंने अपने अनुभव का वो उदाहरण पेश किया है जिसके बलबूते कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से जोश में नजर आए हैं। जी हाँ, विराट जो काफी ज्यादा इमोशनल हुए थे हाल ही में उन्होंने धोनी को लेकर एमएस धोनी को लेकर बातें की, साथ ही साथ विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के अलावा, अगर रोहित शर्मा के अलावा बात की जाए शिखर धवन की, तो उनके परफॉर्मेंस ने अभ्यास मैच में कुछ खास रंग न लाकर लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी थी। ऐसे में टीम को लेकर जो नाम सामने आए हैं, टीम 11 को लेकर जो नाम सामने आए थे, इसकी जो उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से टीम में बदलाव किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, टीम वर्ल्ड कप को लेकर कमेंटेटर के तौर पर इस बार युवराज सिंह इंग्लैंड पहुंचे हैं, जहां पर टीम के बड़े योद्धा खिलाड़ी के तौर पर युवराज सिंह इस बार मैदान पर तो नहीं, लेकिन जोश कम नहीं है युवराज सिंह के अंदर। लेकिन टीम में जो बदलाव है उसकी बात की जाए तो ये उम्मीद है कि विजय शंकर इस बार खेलेंगे ये मैच। जी हाँ, विजय शंकर वर्ल्ड कप के पहले मैच में नजर आएंगे, लेकिन विजय शंकर की इंजरीज की वजह से अब जो खबर आई है वो ये है कि टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा के उतरने की खबर, दूसरे नंबर पर बात करें तो शिखर धवन, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर टीम इंडिया की तरफ से उतारे जाएंगे नंबर चार के बेहतर विकल्प माने जा रहे केएल राहुल, तो वहीं पांचवें नंबर पर एमएस धोनी को रखने की बात हुई है, और अगर छठे नंबर की बात की जाए तो छठे नंबर को लेकर फिर बदल की संभावनाएं काफी ज्यादा है। छठे नंबर पर इस बार जो खबर है कहीं ना कहीं यशवेंद्र चहल को लेकर है, लेकिन नाम शुमार हुआ है हार्दिक पांड्या का। छठे नंबर पर विराट कोहली के बाद, एमएस धोनी के बाद, एक टीम इंडिया के ताकतवर प्लेयर के तौर पर एक गर्म जोशी के साथ अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले हार्दिक पांड्या का नाम है, जो कि ऑलराउंडर कहलाते हैं और मैच के फिनिशर, जो कि किसी भी तरह से मैच को पलटने की ताकत अब रखते हैं, जिस तरह उम्मीदें युवराज सिंह ने भी हार्दिक पांड्या से जताई है, इससे हार्दिक पांड्या को छठे नंबर पर खेलते देखने की उम्मीद है। इसके अलावा बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह का नाम है, इसके अलावा और भी कई नाम हैं, हम आपको बताना चाहेंगे भुवनेश्वर कुमार का भी नाम है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए मोहम्मद शमी की तो उन्हें इस बार शायद मौका ना मिले, क्योंकि जो टीम जो परफॉर्मेंस देने वाली है उसके अकॉर्डिंग ये मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को खास तौर पर खास मौका ना मिले। लेकिन अगर प्लेइंग 11 का नाम जो सामने आया है उसमें जसप्रीत बुमराह काफी अहम रोल प्ले करने वाले इस बार विश्व कप के लिए टीम इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो सबने देखा है आईपीएल के दौर से इस बात का अंदाजा लग गया है कि जसप्रीत टीम इंडिया के लिए सबसे बेजोड़ बॉलर कहलाएंगे। लेकिन देखना होगा कि इस तरह से टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले ही मैच के साथ कैसे आगे बढ़ती हैं, देखना होगा इस मैच के साथ किस तरह से टीम इंडिया और भी ज्यादा गर्मजोशी से
ताकत के साथ बड़े टीम को मुकाबला देने के लिए तैयार होती है। फिलहाल के लिए आपसे यहीं पर लेना चाहेंगे इजाजत, लौटेंगे जल्द आपके बीच नई अपडेट को लेकर। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स, और हर खबर के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।